बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 165 ए और सेक्शन 165 बी ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते चलूं कि अगर आप पाकिस्तान पिनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पर मौजूद पाकिस्तान पिनल कोड के नाम से प्ले लिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये जो सेक्शन है 165, ये सरकारी मुलाजमीन को तहाइफ कबूल करने से बाज रखने से मुतलिक है, यानी कि सरकारी मुलाजमीन किसी शख्स से रिश्वत के बजाय तहाइफ अगर वसूल करते हैं तो उसको रोकने से मुतलिक ये है सेक्शन 165। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्शन 161 में हमने पढ़ा था कि अगर सरकारी मुलाजिम रिश्वत लेता है तो उसके तहत उसको मुजरिम ठहराया गया था और उसकी सजा बयान की गई थी। लेकिन अगर सूरतेहाल ऐसी हो कि अगर सरकारी मुलाजिम रिश्वत लेने की बजाय कीमती तोहफे तहाइफ लेना शुरू कर दे तो रिश्वत किसी ना किसी शक्ल में जायज करार पा जाती है। लिहाजा इस सेक्शन में रखी गई शर्त कि तोहफे तहाइफ वसूल करना जो है यह भी जुर्म है, इसमें शर्त सिर्फ ये रखी गई है कि तोहफा देने वाले का मुफाद किसी ना किसी शक्ल में सरकारी मुलाजिम के फर्ज भी मुसबी, यानी कि उसकी जो ड्यूटीज हैं उनसे मुतलिक हो या मुतलिक रहा हो। सेक्शन 165 की हेडिंग में बताया गया है पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेनिंग वैल्यूएबल थिंग विदाउट कंसीडरेशन From person concerned in proceeding of business transaction by such public servant, यानी कि सरकारी मुलाजिम का इन लोगों से कीमती शय बिला कीमत लेना जो ऐसे सरकारी मुलाजिम की कार्रवाई या इंजाम करदा फर्ज मुंसबी से मुतलिक हो। इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि कोई चीज बिला बदल लेना, इसमें वो चीज भी आ जाएगी जो कि कोई सरकारी मुलाजिम किसी शख्स से कम कीमत पर लेता है जबकि उस चीज की बाजारी कीमत उससे ज्यादा हो। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए एक कलेक्टर है जो कि जेड से एक मकान किराए पर लेता है। जेड का जो केस है सेटलमेंट का वो ए के पास जेरे समात है। ऐसी सूरत हाल में जब ए जेड से मकान किराए पर लेता है तो ये दोनों इस बात पर रजामंद होते हैं कि ए जेड को 20,000 रुपये माहवार किराया अदा करेगा, जबकि अगर नेक नियति से देखा जाए तो इस मकान की जो एक्चुअल मार्केट के मुताबिक किराया बनता है वो बनता है 70,000 रुपया, जबकि कलेक्टर उससे 20,000 रुपये में मकान किराए पर ले रहा है। तो उसका मतलब यह है कि इसने एक कीमती शय पूरा बदल दिए बगैर हासिल की है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में कलेक्टर ने इस सेक्शन के तहत जुर्म का इर्तिकाब किया। इस सेक्शन में बताया गया है कि यह जरूरी नहीं है कि कोई ऐसी चीज बिला बदल हासिल करना या फिर कम कीमत पर हासिल करना ऐसे शख्स से हो जिसका काम ऐसे सरकारी मुलाजिम से पड़ सकता है, बल्कि अगर ऐसे शख्स का कोई रिश्तेदार, कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई नुमाइंदा भी कोई चीज कम कीमत पर सरकारी मुलाजिम को देता है या बिला बदल उसको एज ए तोहफा देता है तो फिर भी सरकारी मुलाजिम इस सेक्शन के तहत मुजरिम होगा। इस सेक्शन के लवाजमात में पहले नंबर पर आ जाएगा विदाउट कंसीडरेशन और दूसरे नंबर पे आ जाएगा इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, यानी कि अगर कोई शख्स बिला बदल कोई चीज हासिल करता है या फिर ऐसा सरकारी मुलाजिम गैर मुनासिब बदल के तहत कोई चीज हासिल करता है। तीसरे नंबर पे ऐसा सरकारी मुलाजिम जानता हो कि वो आने वाले वक्त में या मौजूदा वक्त में ऐसे शख्स को जिससे वो फायदा हासिल कर रहा है उसको अपने फ्राइज की अदायगी में कोई फेवर देगा, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को यानी कि ऐसे सरकारी मुलाजिम को इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी जो कि 3 साल तक कैद की सजा हो सकती है,
सिंपल भी हो सकती है या फिर कैद बामशक्कत भी हो सकती है, या जुर्माने की सजा दी जाएगी या फिर दोनों सजाएं दी जाएंगी। इसके बाद है सेक्शन 165A, पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफेंसेस डिफाइंड इन सेक्शन 161 एंड 165। इसमें बताया गया है कि जो कोई शख्स सेक्शन 161 में बयान करदा जुर्म या सेक्शन 165 में बयान करदा जुर्म के तहत अबेटमेंट करेगा यानी कि अयानत करेगा, तो ऐसे शख्स को भी ऐसे ही सजा दी जाएगी जैसे कि उसने वो जुर्म खुद किया हो। यानी कि जो सजा सेक्शन 161 के तहत है या जो सजा सेक्शन 165 के तहत है, उन्हीं के तहत उसको मुजरिम ठहराया जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सेक्शन 161 के तहत अगर कोई सरकारी मुलाजिम कोई रिश्वत हासिल करता है अपने फ्राइज की अदायगी के लिए, और सेक्शन 165 में हमने पढ़ा है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम अपनी हैसियत यानी कि सरकारी मुलाजमत के तहत फ्राइज की अदायगी में किसी को फेवर देने के लिए उससे कोई चीज़, कोई तोहफा, कीमती चीज़ बिला बदल हासिल करता है या फिर कम बदल पर हासिल करता है, तो उसको सेक्शन 165 के तहत सजा दी जाएगी। जबकि इस सेक्शन के तहत अगर कोई शख्स ऐसे सरकारी मुलाजिम की अबेटमेंट करता है जो कि सेक्शन 161 के तहत जुर्म करता है या सेक्शन 165 के तहत जुर्म करता है, तो ऐसा जो शख्स होगा उसको उसी जुर्म के लिए सजा दी जाएगी जैसे कि उसने खुद वो जुर्म किया हो। इसके बाद है सेक्शन 165B, सर्टेन अबेटर एक्सेप्टेड। जैसा कि हमने सेक्शन 165A में पढ़ा कि अगर कोई अबेटमेंट करता है सेक्शन 161 उस सेक्शन 165 में बयान करदा जुर्म की, तो उसको ऐसे सजा दी जाएगी जैसे कि उसने खुद वो जुर्म किया हो। जबकि सेक्शन 165B में कहा गया है कि अगर कोई शख्स अबेटमेंट करता है लेकिन वो अबेटमेंट मजबूरी की वजह से करता है या किसी जबर की वजह से करता है, या फिर ऐसे शख्स को धमकी दी जाती है कि वो ऐसी रिश्वत पेश करे या दे, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को जिसने मजबूरी के आलम में या फिर जबर के आलम में या फिर किसी धमकी की सूरत में ऐसी अबेटमेंट की हो, तो उसको इस सेक्शन के तहत इस्तिस्ना हासिल है। इस सेक्शन का मकसद यह है कि ऐसे शख्स को सेक्शन 161 या सेक्शन 165 की अबेटमेंट से मुस्तस्ना किया जाए जिसको जबर, दबाव या तख़फीफ के तहत रिश्वत देने या पेश करने की तरगीब दी जाए। PLD 1964 सुप्रीम कोर्ट पेज 266 में अदालत हजूर ने करार दिया, जब रिश्वत धमकी से हासिल की गई हो तो रिश्वत देने वाला अबेटर होगा अगरचे रिश्वत धमकी के जेरे असर दी गई, लेकिन सेक्शन 165B ताज़ीरात पाकिस्तान ऐसे अबेटर के हक में खास इस्तिस्ना है जो इसे इस जिम्मेदारी से बरी करती है। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।